दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना लोग फेसबुक फ्रेंड को डिलीट कैसे करें या अनफ्रेंड कैसे करें। दोस्तों अगर आप भी फेसबुक यूज करते हैं और आप किसी से परेशान हैं अपने दोस्त से, तो सिंपली अगर आप उसको अनफ्रेंड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी से फेसबुक से किसी फ्रेंड को डिलीट करके दिखाने वाला हूँ, तो कृपया कर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े इसके अलावा। तो चलिए दोस्तों सिंपली वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। चलिए हम फेसबुक एप्लीकेशन को यहां से ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहां पर आपको सबसे ऊपर में प्रोफाइल का साइन दिखेगा। सिंपली यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल का साइन कुछ इस तरह से होता है, तो सिंपली आपको यहीं पर जाना, क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में आना है, और नीचे में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड का लिस्ट है, और यहाँ पर मेरे पास 500 फ्रेंड है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी कि इसमें एक कम हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसी फ्रेंड के नीचे जाना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सी ऑल फ्रेंड्स का, तो सिंपली आपको इसी लिस्ट पर जाना है, क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही यहाँ से आपके फेसबुक के अंदर में जितने भी फ्रेंड होंगे वो सारे लिस्ट के रूप में आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप किसी फ्रेंड को अनफ्रेंड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली इस लिस्ट में से अगर कोई है तो सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इस लिस्ट में नहीं हो तो सिंपली यहाँ पर आपको सर्च बार मिलेगा, तो सिंपली यहाँ से आप अपने दोस्तों का नाम भी सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर ये जो मेरा एक आईडी है, प्रोफाइल है दोस्त का, सिंपली मैं इसके आईडी पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा फ्रेंड का ऑप्शन, तो सिंपली आपको इसी फ्रेंड का ऑप्शन पर जाना, क्लिक कर लेना है। और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, और इसी में सबसे नीचे में आपको मिलेगा अनफ्रेंड का ऑप्शन, तो सिंपली आपको इसी अनफ्रेंड पर जाना है, क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपको मिल रहा है कन्फर्म का बटन। ऊपर में एक नोट दिया गया जिसको मैं पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर बताया गया कि आप रियली में श्योर है कि आप अपने दोस्त को अनफ्रेंड करना चाहते हो, तो मैं तो करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपको इसी कन्फर्म के बटन पर जाना, क्लिक कर देना है। और क्लिक करते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा फ्रेंड अब खत्म हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पर सिंपली एड फ्रेंड का रहा है। अगर हम इसको फिर से फ्रेंड बनाना चाहते हो तो सिंपली हमें करना क्या होगा, इसको फिर से रिक्वेस्ट भेजना होगा, और जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तब जाके हम फिर से फ्रेंड बन जाएंगे। अदरवाइज मैं यहाँ से तो इनको अनफ्रेंड कर दिया हूँ, तो चलिए मैं अपने फ्रेंड लिस्ट में चलता हूँ। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि मेरा फ्रेंड लिस्ट का जो ये एक नंबर था, फ्रेंड का संख्या था, वो कम हुआ नहीं या नहीं हुआ। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 500 फ्रेंड थे जो बच के अब 499 फ्रेंड हो चुके हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने फेसबुक से किसी फ्रेंड को डिलीट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।